हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आरएसबी टेक इन्फो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो डायरेक्टली रिलेटेड है एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ऊपर। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपने क्रेडिट कार्ड की यूजर आईडी और पासवर्ड भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भी अपने क्रेडिट कार्ड की यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस शेयर करेंगे जिससे कि आप बड़ी ही आसानी से अपने लैपटॉप से या मोबाइल से क्रेडिट कार्ड की यूजर आईडी और पासवर्ड रीसेट और चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना होगा, और यदि आपको ये वीडियो ही कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आप चाहे यूजर आईडी लैपटॉप से चेंज कर रहे हो या मोबाइल से, आप सिंपली गूगल की सर्च टैब में जाइए और वहां पे सिंपल एसबीआई क्रेडिट कार्ड टाइप करके सर्च कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे ही आप सर्च करोगे, आपके सामने जो दूसरा रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, एसबीआई क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन। आप सिंपली लॉगिन पे क्लिक करिए। फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपके सामने एसबीआई की ऑफिशियली साइट कुछ इस तरह से खुल जाएगी। आप देख रहे हो फ्रेंड्स। अब यदि आप अपने यूजर आईडी यानी कि अपने क्रेडिट कार्ड की यूजर आईडी ट्रैक करना चाहते हो या पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, तो आप सिंपली इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करिए, फॉरगेट यूजर आईडी। फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरह से न्यू विंडो खुल के आएगी। सबसे पहले वाले ऑप्शंस पे आपको अपने कार्ड की डिटेल फिल करनी होगी। दूसरे पे जब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो आपको फिल करना होगा, और तीसरे ऑप्शन पे आपकी जो यूज़र आईडी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद आपको सिंपली यदि आप पासवर्ड भी चेंज करना चाहते हो तो वो पासवर्ड भी आप वहां से चेंज कर सकते हो और नया पासवर्ड सेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले वाले ऑप्शंस की, कार्ड डिटेल। यानी कि सबसे पहले वाले ऑप्शंस पे आपको अपने कार्ड की 16 डिजिट यहां पे फिल करनी होगी इन 4 बॉक्सेस में, और दूसरा जो ऑप्शंस है उसमें आपको सीवीवी नंबर, अपने कार्ड का सीवीवी नंबर यहां पे एंटर करना होगा 3 डिजिट का, यानी कि सीवीवी की फुल फॉर्म होती है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। जो अगला जो ऑप्शन है वो है डेट ऑफ बर्थ। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस वाले ऑप्शन पे फिल करनी होगी। फ्रेंड्स, हम अपनी जो कार्ड की डिटेल है वो हाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी पर्सनल डिटेल है कुछ। अभी आप सिंपली यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल फिल करिए। अपने कार्ड की डिटेल हमेशा ढंग से एंटर करिएगा। यदि आप यहाँ पे गलत डिटेल फिल करोगे तो आपका डाटा जो है वो मैच नहीं होगा। फ्रेंड्स, यदि हो सके तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। हम अपने चैनल पे मल्टी टाइप की नॉलेज की वीडियो शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, अभी दूसरा वाला जो ऑप्शंस है वो है सीवीवी नंबर, यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। जो आपके कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट वाला नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्लिक करिए, और लास्ट वाले ऑप्शंस पे जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे मेंशंस करिए, यानी कि एंटर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से जैसे ही आप अपने कार्ड की डिटेल फिल करोगे, उनमें राइट का ऑप्शंस आ जाएगा कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, यदि मान लो राइट का ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो दैट मींस आपके कार्ड की डिटेल सही नहीं है। आप चेक करके दोबारा से वो डिटेल भी फिल कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही सारे ऑप्शंस पे राइट का टिक आ जाता है तो सिंपली आप प्रोसीड पे क्लिक करिए। फ्रेंड्स, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपके कार्ड की यूजर आईडी आने से पहले
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको इस वाले ऑप्शंस पे फिल करना है। फ्रेंड्स ओटीपी जैसे ही आप एंटर करेंगे आप सिंपली क्लिक करिए और उस पे राइट ऑप्शंस आ जाएगा, राइट क्लिक आ जाएगा। आप राइट क्लिक जैसे ही आएगा आप सिंपली प्रोसीड कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे ही आप प्रोसीड करोगे आपके सामने आपकी यूजर आईडी, जो भी आपके एसबीआई कार्ड की यूजर आईडी है, वो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फ्रेंड्स यदि अब आप अपने क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड जानते हो तो आप डायरेक्टली यहां से लॉगिन कर सकते हो, और यदि मान लो आप यहां पे अपना पासवर्ड भी भूल गए तो आप यहां से डायरेक्टली चेंज कर सकते हो या नया पासवर्ड भी रख सकते हो। चलिए देखते हैं, पासवर्ड चेंज भी कर ही देते हैं वीडियो में। इस तरह से फ्रेंड्स आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हो यहां पे रख सकते हो। जो भी पासवर्ड रखना होगा आपको बड़े ध्यान से रखिए। पहला लेटर आपको कैपिटल में लिखना होगा, बाकी जो भी लिखोगे आप वो स्मॉल में लिखना होगा। जैसे यहां पे ऑप्शंस लिखा है कि जो आपका पासवर्ड है वो 8 से 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, यानी कि 1 अपर केस 1 लोअर केस और इंक्लूड लिस्ट 1 नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर्स भी होना चाहिए। जैसे जो भी आप स्पेशल @ डाल सकते हो, व्हाटएवर जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। इस तरह फ्रेंड्स आप अपना पासवर्ड बड़े ही आसानी से चेंज भी कर सकते हो, आप सिंपली क्लिक करिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो पासवर्ड है चेंज हो जाएगा, आप अब दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। फ्रेंड्स हम लॉगिन करके भी दिखा देते हैं आपको। अब लॉगिन करने के लिए भी आपको सिंपली अपने क्रेडिट कार्ड की यूजर आईडी यहां पे टाइप करनी होगी और जो पासवर्ड आपने चेंज किया है वो यहां पे एंटर करना होगा। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप सिंपली लॉगिन करिए। फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल यहां पे शो हो जाएगी। फ्रेंड्स इस तरह आप बड़े ही आसानी से अपने क्रेडिट कार्ड की यूजर आईडी को ट्रैक कर सकते हो और अपने क्रेडिट कार्ड की ऑनलाइन बैंकिंग का पासवर्ड भी बड़े ही आसानी से चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स यदि आपको इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड, डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो पे कमेंट करिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका ये बेनिफिट होगा कि हम मल्टी टाइप की नॉलेज वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।